तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे 21वें अध्याय का भाग 9 यानी कि आज हम ईयर पढ़ने वाले हैं और यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है समाप्त हो रहा है। लेकिन इसके बाद जो हमारा 10वां भाग आएगा उसमें अपन क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करेंगे। तो कंटेंट वाइज आज ये लास्ट टॉपिक है लेकिन क्वेश्चन आंसर सही थी लास्ट टॉपिक नहीं है। ठीक है, कर्ण हम पढ़ेंगे यानी कि आज अपन ईयर के बारे में पढ़ेंगे, कान के बारे में पढ़ेंगे। पहले हमने नेत्र के बारे में पढ़ा, आशा करती हूँ कि वो बहुत अच्छे से समझ में आया और कोशिश भी रहेगी कि कान या कर्ण का जो डायग्राम है वो भी आपको उसके फंक्शन के साथ अच्छे से समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। कर्ण, कान भी हम कहते हैं इसको, ईयर इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, कर्ण दो संवेदी क्रियाएं करता है। देखो जो कान होते हैं बच्चों ये हमारे इधर लगे हुए रहते हैं, देखो तो सबको पता है कि सुनने का कार्य करता है लेकिन ये हमारे बॉडी को बैलेंस भी करता है। कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि जो कान है हमारे सुनने का काम तो करेगा लेकिन ये हमारी बॉडी को बैलेंस करने का भी कार्य करता है। तो कर्ण जो है दो संवेदी क्रिया, दो सेंस जो प्रोसेस है वो करता है। एक होता है सुनना यानी हियरिंग और दूसरा है शरीर का संतुलन बनाने यानी बॉडी को बैलेंस करने का कार्य भी कौन करता है, हमारा कान। शरीर क्रिया विज्ञान की दृष्टि से कर्ण को तीन मुख्य भागों में बांटा गया है। यदि अपन एनाटॉमी की बात करें, ईयर की एनाटॉमी की बात करें तो बेसिकली ये तीन पार्ट्स में डिवाइड है, एक्सटर्नल, मीडियन और इंटरनल। ठीक है, बाहर का जो दिख रहा है, बाहर से जहां तक तुम्हारी उंगली जा रही है, ठीक है, बाहर पिन्ना से लेकर के जहां तक तुम्हारी फिंगर जा रही है वो क्या होता है, एक्सटर्नल ईयर। फिर अंदर से थोड़ा सा यहाँ पर यहाँ तक जो आएगा वो होगा मिड ईयर और फिर बिल्कुल अंदर जो हमारे न्यूरॉन से भी कनेक्ट होगा वो होगा हमारा क्या, इंटरनल ईयर का पार्ट होगा यानी अंदरूनी भाग होगा। तो तीन भार है, भारे कर्ण, मध्य कर्ण और अंतःकर्ण। आगे बढ़, एक्सटर्नल ईयर और मिड ईयर और इंटरनल ईयर, ये तीन ईयर के जो पार्ट्स हैं हम अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक चीज को समझेंगे। आ जाइए अब कर्ण का डायग्राम अपन बाद में देखेंगे, पहले अपन ये पढ़ते हैं। बाहरे कर्ण पिन्ना या ऑरिकुला या बाहरे श्रवण गुहा का बना हुआ होता है। ये जो आप देख रहे हो जहां पर आप पियर्सिंग कराते हो, छिदवाते हो कानों को, जिसको हम कहते हैं सुंदर सुंदर से हम ऑर्नामेंट पहन पाते हैं, गोल्ड के, सिल्वर के, आर्टिफिशियल, बहुत जब बॉयज गर्ल्स दोनों ही करवाना पसंद करते हैं। तो ये जो पार्ट है बच्चों इसको हम कहते हैं पिन्ना, क्या कहते हैं इसको, पिन्ना कहते हैं। ठीक है, ऑरिकुला, और मैंने क्या बताया था, जहां तक हमारी फिंगर जा रही है, जहां तक मेरी फिंगर जा रही है वो वाला पार्ट क्या कहलाता है, हमारा एक्सटर्नल ईयर कहलाता है, बाहरी कान कहलाता है। पिन्ना वायु में उपस्थित तरंगों को, देखो ये जो पिन्ना है ना ये क्या करती है, जो बाहर से तुम्हें साउंड सुनाई दे रहा है, जो भी तुम्हें साउंड सुनाई देगा वो क्या करेगी, उनको इकट्ठा करेगी, उन पूरे एक्सटर्नल साउंड को इकट्ठा करेगी और हमारे कान तक पहुंचाएगी। तो पिन्ना क्या काम कर रहा है, हाँ सही है, यानी कि सुनने का। आप कहते हो ना कान लगाते हैं अपन दीवार को, यूं कान लगाते हैं, यूं क्या कह रहा है, क्या सुन रहा है ना। तो वो जो ईयर तुम लगाते हो ऐसे करके तो वो क्या करता है, जो साउंड तुम्हें सुननी है उसको एकत्रित करता है और ये हेल्प कौन करता है, हमारा पिन्ना करता है। इज दैट क्लियर, आगे बात समझ में। पिन्ना क्या करता है, वायु में उपस्थित है, एटमोस्फेयर है उसमें वायु तो है, उसमें उपस्थित तरंगों को, जो भी साउंड्स की वेव्स आ रही है उसको इकट्ठा करेगा और ध्वनि उत्पन्न करेगा और हमें पता लगेगा कि कोई कुछ कह रहा है। बाहरे श्रवण गुहा, अब गुहा जहां तक मेरी फिंगर जा रही है वो गुहा है। कर्ण पटे झिल्ली तक भीतर की ओर होती है, ठीक है, अंदर जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर तक होती है। पिन्ना तथा मीटस, मीटस कहते हैं उसको, कुछ महीन बाल, क्या होता है इसमें, कुछ हेयर होते हैं, आपको पता है हेयर होते हैं ना ईयर में, कुछ लोग भी तो बाहर तक ही आ जाते हैं लेकिन हेयर होते हैं, वो क्या करते हैं, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जा रहा है, कोई गंदगी जा रही है तो उसको इंट्रैप कर लेता है, इसको जकड़ लेता है ताकि वो अंदर हमारे कानों में घुस के हमारे कान की प्रक्रिया को खराब ना करे। ठीक है, कभी कभी पानी चल जाता है, हम कितने ऐसे चपके चल रहे हैं, मम्मी चपके चल रहे हैं, तो वो चीजें कितनी प्रॉब्लम करती है, यदि कोई कीड़ा घुस जाता है तो बताओ क्या क्या प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो हमें क्या करता है, हेयर हमारी हेल्प करता है। पिन्ना तथा मीटस में कुछ महीन बाल और मोम स्रवित, एक मोम को मतलब जो हमारे वैक्स होती है जो अपन मैल निकालते हैं सब नगल नगल के, कुछ लोग तो मतलब आप सोचो पिन से ही शुरू हो जाते हैं, है ना, कोई मार्कर से, कोई कीले से, मतलब जो मन करता है उससे, अरे हद होती है। आपका कान है, सेंसिटिव पार्ट है, थोड़ा ध्यान रखो भाई, आपको क्यों दिया हुआ है, ईयरबड दिया हुआ है, रुई से, रुई को आप फुआ बना करके भी साफ कर सकते हो, ये क्या तरीका है, तुमने कोई भी नुकीली चीज डाल ली और फिर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो भागो डॉक्टर के, करो पेरेंट्स को दुखी,
गलत बात हमेशा होती है, इवन बड़े भी ये गलतियां करते हैं। सो प्लीज आप समझ जाइए आपका ये सेंसिटिव पार्ट है। तो मोम स्रावित करता है, जो वैक्स तुम गंदगी रहता है वो एक मोम स्रावित करता है, जिसको हम ये ग्रंथियां होती है, आ जाओ समझिए कैसे होती है। ये देखो डायग्राम दिख रहा है, डायग्राम दिख रहा है, कलर चेंज करूंगी, व्हाइट कलर लेती हूँ। यहां तक तुम देख रहे हो कहां गया हमारा, इस वाले पार्ट तक, ये जो वाला पार्ट है, यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक तुम्हारा ये कौन सा है, बाहरी कण है, एक्सटर्नल पार्ट है। ठीक है, एक्सटर्नल पार्ट में तुम्हारा ये जो पार्ट दिख रहा है तुम्हें, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ठीक है, अरे ये वाला जो पार्ट है ये कौन सा है, पिन्ना। ठीक है, ये जो पार्ट है तुम्हारा कौन सा है, पिन्ना है। पिन्ना से तुम उंगली डाल रहे हो, ये तुम्हारी फिंगर आ रही है, ये तुम्हारी फिंगर है ना, फिंगर तुम यहां तक ही डाल सकते हो, इसके बाद तुम अंदर, फिंगर तुम्हारी नहीं जा सकती। तो ये यहां तक का जो पार्ट है वो कहलाता है बाहरी कण। बाहरी कण में क्या क्या है, एक तो हमारा गुहा टाइप स्ट्रक्चर है पिन्ना, पिन्ना में जो गुहा बनी हुई अंदर, जिसको हम क्या कहते हैं, मीटस कहते हैं, क्या कहते हैं, मीटस, लिख दो मीटस, जो पिन्ना के द्वारा धमनी को अंदर ले जाती है। ठीक है, ये जहां पर तुम उंगली डाल सकते हो ना, उसको कहते हैं गुहा, मीटस, क्या कहते हैं, मीटस। इस मीटस तक, इस मीटस में तुम्हें पता है हेयर है और वैक्स बनती है, वैक्स जो बनाती है, ठीक है, वैक्स जो बनाते हो वो है हमारी सेरिमिनस, जो वैक्स बनाती है, इधर देखो जो मोम बना रही है उसको हम कहते हैं सेरिमिनस ग्रंथि। ठीक है, नीट में क्वेश्चन आ जाता है, सेरिमिनस ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, अपनी ईयर में पाई जाती है, जो वैक्स को बनाती है, जो मेल जिसको तुम कहते हो चिपचिपा सा मोम जैसा पदार्थ है वो बनाती, कौन, सेरिमिनस ग्रंथि बनाती है। आ गई बात समझ में, एक्सटर्नल लेयर आ गया, पिन्ना और मीटस, पिन्ना मीटस जहां तक तुम्हारी फिंगर जा रही है, इसमें रोम होते हैं, हेयर होते हैं, हेयर होती है और मोम वैक्स होता है, जिसको अपन सेरिमिनस ग्लैंड कहते हैं, जहां से अपना क्या होता है, मोम बनता है। यहां तक समझ में आ गया। कर्णपटे झिल्ली संयोजी ऊतकों की बनती है, यदि तुम कर्णपटे, ये जो कर्णपटे है वो तीन झिल्लियों से बनती है, इसको अपन अलग से बनाते हैं, ये रहा, ठीक है, एक पार्ट है तुम्हारा ये वाला, ठीक है, दूसरा पार्ट ये लो, ठीक है, दूसरा पार्ट ये रहा, और तीसरा पार्ट किससे बनाऊं, ये रहो तीसरा पार्ट, ठीक है, इसको कलर ही कर देती हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तीन कर्णपटे झिल्ली संयोजी ऊतकों की बनी होती है, हमने बोला कि ये जो झिल्ली है, ठीक है, ये देखो यहाँ कहाँ गया अपना, ये जो बाहर, ये जहां पर तुम्हारे टच होता है, ये वाला जो पार्ट है, ये जो मैंने बनाया, ये जो तुम्हारा पार्ट है, ये वाला, ये क्या बना रहे है तुम्हारा, इसको थोड़ा छोटा करेंगे, ये क्या बना रहे है तुम्हारा, ये वाला लाइन, ये देखो ये रहा, स्किन बना रहा है, क्या बना रहा है, स्किन बना रहा है। इसके अंदर की तरफ अपन चले, इसके अंदर की तरफ, सॉरी अपन स्काई ब्लू कलर लेंगे, अपन अंदर की तरफ चले ये वाला, तो ये जो बना हुआ है ये किसका बना हुआ है, कनेक्टिव टिश्यू का, कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है। और इसके बाद में जो हमारा ये वाला पार्ट है, ये पिंक, पिंक वाला जो पार्ट है, ये वाला, विच वन, ये क्या बना रहा है हमारा, म्यूकस मेम्ब्रेन बना रहा है। यानी कि देखो कर्णपटे झिल्ली संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू आ गया, बाहरी और त्वचा, स्किन आ गई, बाहर की तरफ त्वचा है, बीच में हना हुआ कनेक्टिव टिश्यू है, और अंदर श्लेष्मा झिल्ली है, यानी कि म्यूकस है, स्किन, कनेक्टिव टिश्यू, म्यूकस, तीनों चीज समझ में आ गई, तीनों चीजें समझ में आ गई, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, चलो ठीक है। अब देखो आगे आ जाओ, मध्य कर्ण, यानी कि अब अपन चलेंगे मिडल ईयर, मिडल ईयर का पार्ट मैंने यहां बनाया, इसमें भी अपन कलर करेंगे अलग अलग, ये मिडल ईयर है, अभी इसका बना रही हूँ डायग्राम, कलर देखने दो तुम्हें, अच्छे अच्छे कलर भी तो देखें,
ये देखो, वाइट से बना लीजिए। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, मैं कुछ नाम डिलीट करूंगी, मेरे पास जगह नहीं है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जितना बनाया, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, नाम कुछ डिलीट कर रही हूँ। ये लो, अब देखो अपन ने क्या बनाया। ये है हमारा मिडल ईयर, ऊपर का भी एक बार थोड़ा डिलीट कर दूँ। ये तो ठीक है, हाँ ठीक है। ये क्या है, हमारा मिडल ईयर है, ठीक है, यानी कि मध्य कर्ण। मिडल ईयर का डायग्राम है। मिडल ईयर में बेसिकली तीन चीजें हैं, तीन डायग्राम, तीन स्ट्रक्चर बनाए मैंने। ये तुम ये वाला जो रेड कलर का स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये जो तुम रेड कलर का स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये वाला, ठीक है, इसको हम कह रहे हैं मेलस। क्या कह रहे हैं, मेलस। देखो मध्य कर्ण तीन अस्थिकाओं से बना हुआ, तीन अस्थि है, 1 2 3, तीन अस्थिकाएं हैं, बना होता है जिन्हें मेलियस, क्या कहेंगे, मेलियस, ये रहा मेलियस, ठीक है। दूसरा जो तुम दिख रहे हो उसको बोलते हैं इनकस, कलर चेंज भी करना पड़ेगा साथ ही साथ, इसको हम कह रहे हैं इनकस, ठीक है, क्या कहेंगे, इनकस कहेंगे, क्या कहेंगे, इनकस कहेंगे। इनकस देखो ए शेप में है, ए शेप दिख रहा है तुम्हें, तो इसको हम कहते हैं अनविल, क्या कहते हैं, अनविल कहते हैं, इधर लिख दूं, अनविल भी कहते हैं, ए शेप में होता है, ए शेप ही लग रहा है, बस बीच में आप वो कर दो स्लीपिंग लाइन। फिर ये जो लास्ट वन है इसको हम कहते हैं स्टेपस, व्हाइट कलर ले लूं, इसको अपन कहते हैं स्टेपस, ठीक है, ये जो व्हाइट कलर का है ये वाला, इसको हम स्टेपस कहते हैं, मेलियस इनकस स्टेपिस। तीन अस्थिकाएं हैं, मेलियस इनकस स्टेपिस, मेलियस इनकस स्टेपिस, ये तीन अस्थिकाएं प्रेजेंट होती है किस में, मध्य कर्ण में, एक दूसरे से श्रृंखला के रूप में जुड़ी होती है। देखो कंटिन्यूटी में जुड़ी हुई है, एक से ये दूसरे, दूसरे से तीसरी, आपस में जुड़ी हुई है, एक दूसरे से श्रृंखला के रूप में जुड़ी रहती है। मेलियस कर्ण पटे झिल्ली से और स्टेपिस कोंकलिया की अंडाकार खिड़की से जुड़ा रहता है। जब आप इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे, भी अपन बात करेंगे, जब अपन इंटरनल स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वहां पर देखो ये अंदरूनी जो झिल्ली है, जो ये म्यूकस मेम्ब्रेन था, अभी अपन ने बताया था ये वाला पिंक कलर का, ये झिल्ली थी, म्यूकस मेम्ब्रेन थी, इससे जुड़ी हुई है। और साथ में ये किससे जुड़ेगी, जब इंटरनल ईयर पढ़ेंगे अपन तो वहां पर अपने पास एक कोंकलिया आएगा, उससे भी जुड़ी हुई रहती है। कर्ण अस्थिकाएं ध्वनि तरंगों को अंतः कर्ण पहुंचाने की क्षमता को बढ़ाती है। तो ये क्या करेगा, जब अपन ये फिंगर के बाद में जो एक एरिया आएगा उसको हम कहते हैं मिड ईयर, यानी मध्य कर्ण। मध्य कर्ण में तीन अस्थिकाएं पाई जाती है, मेलियस इनकस स्टेपिस, मेलियस इनकस स्टेपिस। ये क्या करती है, ये मेम्ब्रेन से लेकर के जहां पर म्यूकस बनता है वहां से लेकर के जो तुम्हारा कॉन्क्लिया है, जहां पर एक्चुअल में तुम्हें सुनाई देता है, उस कॉन्क्लिया से कनेक्टेड रहती है। और वो क्या करती है, जो ध्वनि हमने पिन्ना से सुनी है वो अंदर तक लेकर जाती है और हमारे ब्रेन को ये मैसेज करती है कि ये साउंड ये है। आई बात समझ में, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मिड ईयर और एक्सटर्नल ईयर हमने दोनों पढ़ लिया है, आगे चलते हैं। यूस्टेकियन नलिका मध्य कर्ण गुहा में फेरिंग्स को जोड़ती है। अब ये चीज समझने के लिए बस डायग्राम को समझेंगे। ये देखो ये हमारे पास डायग्राम है, ये हमारे पास किसका डायग्राम है, अंदर मतलब अपन मिड ईयर से अंदर की तरफ आए, मिड ईयर से अंदर की तरफ आए। तो यहाँ पर ये जो तुम झिल्ली देख रहे हो, ये वाली, एक बार कलर चेंज कर लो मैं, ठीक है, ये जो तुम झिल्ली देख रहे हो ये वाली,
इस झिल्ली को हम बोलते हैं राइजनर झिल्ली। क्या बोलते हैं? राइजनर झिल्ली। इसके अंदर ये जो खांच सी बनी हुई है इसको हम कहते हैं स्केला मीडिया। फिर यहाँ ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई है, जो कॉर्टाइज होते हैं उसके ऑर्गन है। ये हमारी बेसल बेसल बॉडी, भाई आपको पता है टिश्यूज के नीचे में एक बेसल बॉडी भी होती है, आधार होती है, वो है आधार झिल्ली है, मेम्ब्रेन होती है, इसके लोग टिम्पैनी है। और यहाँ पर आ जाएगा टेक्टोरियल झिल्ली और स्केला वेस्टिबुली। ये हमारी बहुत सारी झिल्लियां हैं जो अलग अलग कार्य करती है। यहां तक समझ में आए? अब क्या होगा, अब अपन देखेंगे। यहां से अपन ने लिया एक स्लाइड, स्लाइड में अपन बनाएंगे डायग्राम। ये है हमारा मिड ईयर का डायग्राम, ठीक है। यहां पर यदि अपन बात करें, ये लो, ठीक है, आ गई बात समझ में। ये हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन, ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू, गलत कर दिया, सॉरी, ये हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन, ये कनेक्टिव टिश्यू, ये हमारी स्किन, ये हमारे मीटर्स, ये हमारा पिन्ना। यहीं से बात करेंगे, पिन्ना, मीटर्स, फिर तीन चीजों तीन परतें पाई जाती है, फिर हमारा टेम्पोरल बोन यानी कि जो हमारा मध्य कर्ण है। उसके बाद में यहां से जो ये लास्ट वाला स्ट्रैपिस था, है ना, स्ट्रैपिस हमारे कॉन्क्लिया से जुड़ा हुआ था, ये बात बोली थी, कॉन्क्लिया तक जुड़ा हुआ है। तो यहां से ये जो हमारा डायग्राम है, ये हमारा अंतःकर्ण का डायग्राम है। किसका डायग्राम है? अंतःकर्ण का। किसका डायग्राम है? ये अंतःकर्ण का डायग्राम। यहां तक समझ में आ गया। अब क्या क्या है अंतःकर्ण में, ये देखो, यहां पर हमारे पास कुछ क्या है, नलिकाएं हैं। नलिकाएं, अंतःकर्ण बेसिकली दो चीजों से मिलकर के बना हुआ है। तो आ जाओ हम देख ले पहले एक बार। एक जो होता है अस्थिल, एक होता है झिल्ली नुमा लैम्ब्रिंथ, ठीक है। एक होता है जो द्रव है वो अंतःकर्ण लैम्ब्रिंथ कहलाता है। यूस्टिकियन नलिका मध्यकर्ण गुहा में फेरिंग्स को जोड़ती है। आ जाओ, ये जो यूस्टिकियन नलिकाएं हैं, ये जो तुम्हें दिख रही है यू शेप की यूस्टिकियन नलिकाएं हैं, यहां पर ये जो तुम देख रहे हो ये वाला, ठीक है, ये वाला जो पार्ट देख रहे हो, ये व्हाइट कलर का जो पार्ट भरा हुआ है यहाँ पे, ये लो व्हाइट कलर का पार्ट भर देती हूँ मैं, ये लो, एक मिनट रुको, इससे तुम्हें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये जो व्हाइट कलर का तुमने देखा, ये इसको हम कहते हैं पेरिलिम्फ, है ना, हमने यही बोला है वहां पे पीछे, क्या बोला हमने, यूस्टेटियन नलिका मध्यकर्ण गुहा को फेरिंग्स से जोड़ती है। फेरिंग्स, फेरिंग्स कहाँ है, ये जो फेरिंग्स होती है, तुम्हें पता है जब कान में दवाई डालते हैं, कभी कान की दवाई देती है तो तुम्हारे गले में टेस्ट आ जाता है, आता है, वो क्यों होता है, तो जो हमारा ये ईयर वाला पार्ट है, जब अपन जाते हैं अंदर की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पर ये जो पार्ट है, ये जो है यहाँ पर ये फेरिंग्स से जुड़ा हुआ होता है। फेरिंग्स जो हमारे यहाँ से जाते हैं, इसको हम बोलते हैं फेरिंग्स, ठीक है, ये हमारा फेरिंग्स से जुड़ा हुआ होता है। यूस्टिकियन नलिका कर्ण पटे से दोनों ओर दाब समान बनाए रखती है, और ये क्या करती है, ये जो नलिकाएं हैं ये दोनों तरफ से दाब को समान बनाए रखती है। द्रव से भरा अंतःकर्ण लैम्ब्रिथ कहलाता है। अब आ जाओ, जो अंदर वाला जो पार्ट है जहां पे द्रव भरा हुआ है, इसको हम कहते हैं लैम्ब्रिंथ। क्या बोलते हैं? लैम्ब्रिंथ कहते हैं, है ना, आ गई बात समझ में। लैम्ब्रिंथ में घुमावदार भाग कॉन्क्लिया कहलाता है। लैम्ब्रिंथ का जो ये घुमावदार भाग देख रहे हो बच्चों, ये घुमावदार भाग, ये क्या है, हमारा कॉन्क्लिया है, ठीक है। ये कौन सा भाग है जो घुमावदार, ये वाला जो घुमावदार भाग है, ये वाला, ये क्या भाग कहलाता है, कॉन्क्लिया कहलाता है। ये वाली बात कह दी। अब
अस्थिल लंबरित वाहिकाओं की एक श्रृंखला होती है। अस्थिल यहाँ पर बहुत सारी श्रृंखलाएं पाई जाती है, ये हमने देख लिया। इन वाहिकाओं के भीतर झिल्ली नुमा लंबरित होता है। आ जाओ, अरे अरे, यहां पर ये वाला पार्ट देख रहे हो तुम, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है बच्चों, ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, ये कहलाता है हमारा मेम्ब्रेन्स लिम्बित। क्या कहलाता है? मेम्ब्रेन्स लिम्बित। मेम्ब्रेन्स लिम्बित का मतलब क्या होता है? जैसे तुम मेले में गए हो, मेले में जैसे पुराने मेलों में होता था भूल भुलैया देखना होता था कि यहाँ से ढूंढो वहां से ढूंढो, कांच कांच बने हुए थे, घूम जाते थे, उसको हम कहते हैं लिम्बित, यानी कि घुमाता। अब देखो कान के अंदर की पता नहीं कौन सी नली का कहां से जा रही है, है ना? तो ये क्या होता है, जो अंदर की तरफ झिल्ली से एक लैम्ब्रित घुमाव बना हुआ है, उसको हम कहते हैं मेम्ब्रेन्स लैम्ब्रित, यानी कि झिल्ली लैम्ब्रित। लिख दूं यहां पर कहीं पर, झिल्ली नुमा लैम्ब्रित, ठीक है, झिल्ली नुमा लैम्ब्रित समझ में आ गया। अब आगे चलो, कोकलिया को दो झिल्ली द्वारा तीन कक्षों में विभक्त किया गया है। अब ये देखो, ये जो कोकलिया है, ये जो घुमावदार है, इनमें झिल्ली के अकॉर्डिंग इसको भी तीन भागों में बांटा गया है, जिसे बेसिलर झिल्ली और राइजनर झिल्ली कहते हैं। आ जाओ, जिसे कहा गया हमारा बेसिलर झिल्ली, ठीक है, और राइजनर झिल्ली। ये रहा हमारा राइजनर झिल्ली, ये क्या है, ये जो अंदर की तरफ दिख रही है ये वाली जो पार्ट है, ये हमारी राइजनर झिल्ली है, और इसके नीचे जो बेसमेंट वाली लेयर बनी हुई है इसको हम कहते हैं आधार झिल्ली। यहां तक समझ में आया? यहां तक एकदम क्लियर है? अब देखो, जिन्हें हम राइजनर झिल्ली भी कहते हैं। क्लियर दैट? यहां तक एकदम क्लियर है? ऊपरी कक्ष को स्केला वेस्टिबुली, आ जाओ देख लें अपन, ऊपरी कक्ष को स्केला वेस्टिबुली, ये ऊपरी कक्ष है, इसको हम क्या कह रहे हैं, स्केला वेस्टिबुली कह रहे हैं, और मध्य कक्ष को स्केला मीडिया कह रहे हैं। तीन कक्ष है ना, वे तीन कक्ष में बांटा गया। देखो, ये तो हो गई राइजनर झिल्ली, इसके बाद ये हमारी आधारीय झिल्ली, और इनमें भी तीन कक्ष है, एक दो और ये तीन कक्ष है, तीन कक्ष है। इस वाले को हम बोल रहे हैं स्केला वेस्टिबुली, फिर ये जो बीच वाला है, ये जो बीच वाला है इसको बोल रहे हैं स्केला मीडिया, और जो थर्ड वाला है इसको बोलते हैं स्केल ऑफ टिम्पोली। क्या बोलते हैं? स्केल ऑफ टिम्पोली, यही बोला है हमको। क्या बोलते हैं? स्केला टिम्पैनी हम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्केला टिम्पैनी। स्केला वेस्टिबुली और स्केला टिम्पैनी परिनली का द्रव, परिनली का द्रव, और वो तो मैंने तुम्हें बताया नहीं एक बार को। देखो बच्चों, जो व्हाइट वाला भाग है, जो व्हाइट वाला भाग है इसको हम कहेंगे परिनलिका द्रव। क्या कहेंगे? पेरिलिम्फ को हम क्या बोलते हैं, जो बाहर व्हाइट कलर का तुम्हें दिख रहा है ये है परिलिम्फ, और जो अंदर वाली मेम्ब्रेन लैम्ब्रिंथ में भरा हुआ द्रव है बेटा, जो मेम्ब्रेन के अंदर भरा हुआ द्रव है इसको हम कहेंगे, आ जाओ, इसको हम कहेंगे अंतःलसिका द्रव, यानी कि एंडोलिम्फ। ये भी अपन ने लिखा है, इसको हम कहेंगे एंडोलिम्फ, जो अंदर की तरफ यहां पर भरा हुआ है इसको हम कहेंगे एंडोलिम्फ। दोनों समझ में आ गया? पेरिलिम्फ कहां भरा हुआ है? मेम्ब्रेनस लिम्ब्रित के बाहर की तरफ, मेम्ब्रेनस लिम्ब्रित के बाहर की तरफ, और जो मेम्ब्रेन लिम्ब्रित के अंदर की तरफ जो द्रव भरा हुआ है इसको हम कहते हैं एंडोलिम्फ। आ गई बात समझ में दोनों चीज? ये क्लियर हो गया? आ जाओ, कॉन्क्लिया के नीचे स्केला वेस्टिबुला अंडाकार खिड़की में समाप्त हो जाती है। आ जाओ, ये जो कॉन्क्लिया है यहां पर, ये घुमावदार खिड़की पर खत्म हो जाती है, ये स्टेपला वेस्टिबुली, ठीक है, ये खत्म हो जाएगी हमारी। अब क्या होगा, जबकि स्केला टिम्पनी गोलाकार खिड़की, देखो हमने बोला ये हमारी एक झिल्ली है,
ये हमारी एक कक्षा और एक हमारा ये कक्षा, तीन कक्ष की बात करी हमने। ये बोला स्टेला वेस्टिबुली अंडाकार खिड़की, ये अंडाकार खिड़की में हो जाएगी और ये गोलाकार बनाएगी, ऐसे गोलाकार खिड़की में समाप्त हो जाएगी। ऑर्गन ऑफ कोटाई आधारीय झिल्ली पर स्थित होता है। आ जाओ, ये तुम्हें दिख रहा है, ये दिख रहा है तुम्हें ऑर्गन और कोटाई, ठीक है। ऑर्गन ऑफ कोटाई ये रहा, ऑर्गन ऑफ कोटाई ये देखो बीच में ऐसे स्तंभकार, ये ऑर्गन और कोटाई कहां प्रेजेंट है अपना, एक मिनट, ऑर्गन कोटे आधारीय झिल्ली पर जो बेसमेंट है, ये बेसमेंट दिख रहा है तुम्हें, ये बेसमेंट मैंने बनाया, यहां पर भी बेसमेंट झिल्ली बनी है, यहां पर तुम्हें क्या दिख रहा है ऑर्गन ऑफ कोटाई दिख रहा है। आ गई बात समझ में। अब जिसमें पाए जाने वाली रोम की कोशिकाएं श्रवण ग्राही के रूप में कार्य करती है। देखो यहां समझा रही हूं, बोर्ड पे समझो। देखो बेटा एक मिनट, ये हमारी अंडाकार है, ये हमारी गोलाकार है और ये हमारी कुछ इस तरीके से दिखती है। आपको पता है यहां पर हमने इस तरीके से ये एक झिल्ली बना ली, ठीक है, ये एक झिल्ली बना ली और साथ में ये एक झिल्ली बना ली। अब इसके पास में क्या है, एक आधारीय झिल्ली भी है, आधारीय झिल्ली बनाते हैं अपन इससे, ठीक है, ये लो, ये आधारीय झिल्ली बना ली हमने, ठीक है, ये आधारीय झिल्ली बना ली, ये आधारीय झिल्ली बना ली, ठीक है। अब यहां पर ऐसे ऐसे ये वाला जो पार्ट है तुम्हारा, ये वाला कौन सा है, ऑर्गन ऑफ कोटाई, कौन सा पार्ट है ऑर्गन ऑफ कोटाई, यहां पर कुछ रोम कोशिकाएं पाई जाएगी। इन रोम कोशिकाओं पे कुछ रिसेप्टर होंगे ऐसे, ये लो, ठीक है, इन रोम कोशिकाओं पे कुछ रिसेप्टर्स होंगे, इनको हम बोलते हैं श्रवण ग्राही, यानी कि जो सुनने वाले रिसेप्टर्स हैं, जो ऑडिटरी रिसेप्टर्स हैं, वो प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर। रोम कोशिकाएं ऑर्गन ऑफ कोटाई की आंतरिक सतह पर श्रृंखला में पाई जाती है, ये ऑर्टी ऑफ कोटाई है ना, ऑर्गन ऑफ कोटाई है, यहाँ पर एक श्रृंखला के रूप में रोम कोशिकाएं प्रेजेंट होगी। रोम कोशिकाएं का आधारीय भाग अभिवाही तंत्रिका तंतु के निकट संपर्क में होता है। अभिवाही और अपवाही हमने देख लिया ऑलरेडी, अभिवाही और अपवाही हमने देख लिया, तो वहां पर ये उसके संपर्क में होता है, कौन कौन होगा, ये होगा हमारी रोम कोशिका। यहां तक क्लियर है, आगे एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो डन। अब देखो प्रत्येक रोम कोशिका के ऊपरी भाग में कई स्टीरियोसीलिया, यानी कि मान लो ये रोम कोशिकाएं हैं, ये रोम कोशिका, यहां पर ऐसे कुछ सीलिया पक्षमा प्रेजेंट होंगे, ये ऐसे पक्षमा प्रेजेंट होंगे, ये क्या लेकर जाएंगे, मैसेज को आगे लेकर जाएंगे, ये ध्वनि को ऐसे लेकर के जाएंगे, ये लेकर के जाएंगे, ऐसे ध्वनि को लेकर के जाएंगे, प्रवर्ध निकलता है। रोम कोशिकाओं की श्रृंखला के ऊपर पतली लचीली टेक्टोरियल झिल्ली पाई जाती है, और ये जो रोम कोशिकाएं हैं इसके ऊपर, ये देखो अपने डायग्राम में भी है टेक्टोरियल झिल्ली, ठीक है, एक बार मैं इसको रफ करूं, ठीक है, टेक्टोरियल झिल्ली ये यहां पर, ये वाला जो दिख रहा है यहां पे, ये टेक्टोरियल झिल्ली प्रेजेंट होती है ना। आगे बात समझ में यहां पे। अब देखो अंतःकरण कोक्लिया के ऊपर जटिल तंत्र वेस्टिबुलर तंत्र भी कहते हैं, नीट के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों ये, ठीक है, जो कोक्लिया होता है घुमावदार क्षेत्र जहां पर हमें सबसे ज्यादा सुनाई देता है, एक्चुअली में सुनाई वहां देता है हमें कोक्लिया में, ठीक है, तो कोक्लिया के ऊपर एक जटिल तंत्र होता है जिसको अपन वेस्टिबुलर तंत्र भी कहते हैं। देखो वेस्टिबुलर तंत्र मैंने कहीं तो बनाया है, मेरे को याद है, ये रहा, ठीक है, ये वर्टिबल बोन है, नहीं वेस्टिकुलर नहीं बनाया मैंने, है ना, कोई बात नहीं, घुमावदार क्षेत्र के ऊपर प्रेजेंट होता है। वेस्टिबुलर तंत्र तीन अर्धचंद्रकार नलिकाओं ऑस्टियोलिथ से बना हुआ होता है, जिसको अपन मैक्यूलर लघुकोश और क्यूटिकल यूट्रिकल के संवेदी हिस्सा है। आ जाओ क्या बनाया मैंने, देखो मैं बताऊं तुम्हें,
ये रहा, मैंने कहा ना ये तुम्हें नलिकाएं दिख रही है, ये नलिकाएं दिख रही है, ये नलिकाएं क्या करती है, बैलेंसिंग का काम करती है, जो तुम्हारे को बैलेंस बनाता है ना बॉडी में। हियरिंग के लिए तो कॉन्क्लिया है, लेकिन बैलेंस बनाने का कार्य भी तो करता है कान, बैलेंस बनाने का काम करती है ये नलिकाएं, ठीक है, ये डक्ट काम करती है। इनको हम बोलते हैं, देखो मैंने लिखा भी है, सेमी सर्कुलर कैनल। सेमी सर्कुलर है, अर्धचंद्राकार है, तो सेमी सर्कुलर कैनल भी हम इनको कहते हैं। मैंने कहा मुझे मेरे को याद है कहीं मैंने बनाई है ये चीज। अर्धचंद्राकार नलिकाओं और ऑटिलिथ से बना होता है, मैक्यूला लघुकोश और क्यूट्रिकल संवेदी का हिस्सा होता है ये। प्रत्येक अर्धचंद्राकार नलिका, यानी कि ये प्रत्येक अर्धकार जो चंद्र अर्धचंद्राकार नलिकाएं हैं, ये समकोण पर भिन्नतल पर, मतलब ये एक दूसरे से 90 डिग्री पर प्रेजेंट होते हैं, समकोण पर प्रेजेंट होते हैं। झिल्ली नुमा नलिकाएं स्थल नलिकाओं के परे लसिका द्रव में डूबी रहती है। जो झिल्ली नुमा जो मेम्ब्रेनस ट्यूबुल्स है वो क्या करते हैं, जो पेरिलिम्फ है, इसके बाहर अपन ने पेरिलिम्फ बनाया था, परिनली का द्रव बनाया था, उसके अंदर, अब मैंने इसके बाहर बना दिया, आई एम सो सॉरी, ये पेरिलिम्फ में डूबी रहती है, क्लियर। नलिका का फूला हुआ आधारी भाग एम्पूला, जिसमें उभार निकलता है, उसे क्रिस्टा एम्पुरियम कहते हैं, जो उभार वाला भाग है ये वाला, ओहो ये जो उभार वाला भाग है इसको अपन क्या कहते हैं, क्रिस्टा एम्पुरियलिस, क्या कहते हैं, क्रिस्टा एम्पुरियलिस कहते हैं। प्रत्येक क्रिस्टा में रोम कोशिकाएं होती है, प्रत्येक क्रिस्टा में क्या होती है, रोम कोशिकाएं होती है, ताकि वो क्या करे, बैलेंस भी कर सके और सुनने का काम भी कर सके। प्रत्येक क्रिस्टा में रोम कोशिकाएं होती है, लघु कोश और यूट्रिकल का उभारनुमा संरचना मैक्यूला होता है। आ गई बात समझ में, आ जाओ। क्रिस्टा में मैक्यूला वेस्टिबुलर तंत्र के विशिष्ट ग्राही होते हैं, रिसेप्टर करते हैं, रिसेप्टर होते हैं, और ये क्या करते हैं, शरीर को संतुलन और सही स्थिति के लिए उत्तरदायी होते हैं। अब अपन देखेंगे कि श्रवण की क्रिया होती कैसे, सुनने की प्रक्रिया हमें कैसे समझ में आती है। बाहरी कर्ण ध्वनि तरंगों को ग्रहण कर कर्ण पटे तक भेजता है, यानी कि टेम्पोरल तक। बाहर पिन्ना ने सुना, ये हमारी मीटस तक गया, मीटस में कहाँ जाएगा, टेम्पोरल वाले प्लेस में, जहां पर तीन अस्थिकाएं प्रेजेंट होती है वहां तक जाएगा। ध्वनि तरंगों की प्रतिक्रिया में कर्ण पटे में कंपन होता है, ये कर्ण है, ये मीटस है, ठीक है, टेम्पोरल वाली जगह में क्या होगा, कंपन होगा, क्या होगा, कंपन होगा। ये कंपन कर्ण अस्थिकाओं में, कर्ण अस्थिकाएं कौन सी है, एक तो हैमर जैसी शेप की थी, एक एवेल शेप की थी, और एक स्टेपिस शेप की थी, याद आ गई। ये कंपन कर्ण अस्थिकाओं मेलियस इंकस और स्टेपिस, मेलियस इंकस और स्टेपिस तक होते हुए गोलाकार खिड़की तक पहुंचती है, गोलाकार खिड़की तक पहुंचती है, गोलाकार खिड़की में कंपन कोंकलिया में भरे द्रव तक पहुंचता है। यहां पर ये इस तरीके से, ये लो, यहां पर क्या भरा हुआ है, परिनली का द्रव भरा हुआ है, हाँ या ना, परिनली का द्रव भरा हुआ है, वहां तक पहुंचता है, और वे लिम्फ के तरंगे उत्पन्न करता है, क्या करता है, ध्वनि को तरंगों में परिवर्तित कर देता है। लिम्फ की तरंगे आधार कला में, जो हमने बताई थी ये तीन, यहां पर बेसमेंट होती है, यहां पर रोम कोशिकाएं होती है जो श्रवण क्रिया को लेकर के आती है। लिम्फ की तरंगे आधार कला पे हलचल उत्तेजित करती है, अंदर कुछ सेंसेस शुरू हो जाते हैं, आधारीय झिल्ली यानी बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन अभी बनाई थी अपन ने, अच्छे से बात करी थी, उसकी गति में रोम कोशिकाएं जो मैक्यूला और यूट्रिकल के पास में होता है, रोम कोशिकाएं अभी हमने पढ़ा है मैक्यूलर और यूट्रिकल के पास में होता है, वो टेक्टोरियल झिल्ली पर दबाव डालती है। टेक्टोरियल झिल्ली हमने देखी थी, आ जाओ, ये टेक्टोरियल झिल्ली, बेसमेंट झिल्ली के इधर क्या है, टेक्टोरियल झिल्ली, यहां पर कंपन होता है और इस पे क्या होता है, प्रेशराइज होता है। ये देखो न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर दिख रहा है अंदर की तरफ, यहां पर रिसेप्टर्स ओपन हो जाएंगे और वो तुम्हें मैसेज कन्वे करेंगे जो इलेक्ट्रिकल वेव्स आ रही है उसमें। फलस्वरूप संगठित अभिवाही न्यूरॉन्स में तंत्रिका आवेग उत्पन्न होता है ना, तंत्रिका आवेग आ गया। ये आवेग अभिवाही तंतुओं द्वारा श्रवण तंत्रिका से होते हुए मस्तिष्क के श्रवण बलकुट में, मैंने बताया था जो अपना सेरेब्रम है,
है ना, जो हमारा स्प्रव मस्तिष्क गोलार्ध है उसके अंदर क्या है, कॉर्टेक्स वल्कुट पाया जाता है। वल्कुट कैसे कलर का होता है, ग्रे कलर का होता है। एक्सोन जब होते हैं उसमें व्हाइट कलर का मैटर होता है। ये बात अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसने वीडियो नहीं देखा है वो वापस से प्रीवियस वीडियो देखे तो आप बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। वहां पर भी श्रवण वल्कुट सुनने के लिए भी ऑडिटरी एरिया भी हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, वहां तक लेकर के जाते हैं और आवेगों का विश्लेषण कर ध्वनि को पहचाना जाता है। तो इस तरीके से हमने कर्ण भी देखा। बच्चों एक बार नहीं समझ में आएगा, दूसरी बार पक्के से समझ में आएगा। जैसे नेत्र भी हमने समझा, वैसे ही कर्ण भी समझ लिया। बैलेंस कौन करता है, सुनने का काम कौन करता है, कैसे कैसे अंदर की आंतरिक स्थिति है, कैसे आंतरिक संरचना है, सब कुछ अपन ने डिटेल में पढ़ी है। आशा करती हूँ कि टॉपिक बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। प्लीज कमेंट करना जरूर ना भूलें, क्योंकि कमेंट करेंगे तो मुझे समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। जब तक मैं चलती हूँ, क्वेश्चन आंसर के साथ मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। जब तक धन्यवाद।